हे गाइस गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक इन आवर यूट्यूब चैनल फॉर आपके सक्सेस मेरा नाम है आरती और आज हम लोग डेली करंट अफेयर सीरीज में एटीथ मे का जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है उसे डिस्कस करेंगे तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आपको हमारे डेली करंट अफेयर सीरीज की फ्री पी प्री फाइल चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप फॉर आपके सक्सेस को ज्वाइन कर लीजिए वहाँ से आप इसे फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में राष्ट्रीय डेंगू दिवस कब मनाया गया तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी सोलह मई तो याद रखिएगा सोलह मई को जो है वो राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया गया है हर साल डेंगू जैसी बीमारियों और उसके बचाव को लेकर जो है लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए यह मनाया जाता है और डेंगू बीमारी जो है एक मच्छर के काटने से फैलती है उस मच्छर का नाम है एजीट एजिप्टिस ओके अच्छा आपको याद होगा ट्वेंटी अप्रैल को ट्वेंटी अप्रैल को जो है हमने विश्व मलेरिया दिवस मनाया था और इसकी थीम जो है वो आप याद रखना विश्व मलेरिया दिवस की थीम रही थी जीरो मलेरिया स्टार्ट विथ मी ओके याद रहेगा जीरो मलेरिया स्टार्ट विथ मी जो है वो वर्ल्ड मलेरिया डे की थीम रही थी चलिए बढ़ते अगले प्रश्न पे क्वेश्चन नंबर टू है अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है तो इसका राइट right आंसर है ऑप्शन ए सिक्सटीन मे याद रखिएगा सिक्सटींथ मे को ही है जो अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस भी मनाया जाता है इसके मनाने के पीछे का रीज़न मैं आपको बता दूं देखिए सिक्सटीन मे नाइनटीन सिक्सटी को नाइनटीन सिक्सटी को जो है एक फिजिसिस्ट थे जिनका नाम है डिओडोर मेनन ठीक है इन्हीं के द्वारा जो है दुनिया में पहली बार लेजर लाइट का सफर संचालन किया गया था तो उन्हीं की याद में जो है ये अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया जाता है साथ ही याद रखना कि 16 मई को ही सिक्किम का स्थापना दिवस भी मनाया मनाया गया है अभी और सिक्किम जो है 16 मई 1975 को 16 मई 1975 को जो है वो भारत का बाईसवाँ राज्य बना था याद रहेगा चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे क्वेश्चन नंबर थ्री है निम्नलिखित में से कौन सी राज्य सरकार अपनी महत्वाकांक्षी राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू करेगी तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी छत्तीसगढ़ ओके तो छत्तीसगढ़ के गवर्नमेंट ने जो है किसानों के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना को शुरू करने वाली है ठीक है और इसे 21 मई को लॉन्च किया जाएगा क्योंकि 21 मई जो है वो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि है छत्तीसगढ़ की बात है तो छत्तीसगढ़ की जो कैपिटल है उसका नाम है रायपुर और यहाँ के सीएम है भूपेश बघेल और गवर्नर है यहाँ के अनुसुईया उके तो छत्तीसगढ़ जो है अभी हाल ही में एक न्यूज़ में भी रहा था हमने पढ़ा था कि मनरेगा के तहत जो है लोगों को सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला राज्य जो है वो छत्तीसगढ़ बन गया है इसके साथ ही आप याद रखना कि छत्तीसगढ़ का जो शहर है अंबिकापुर उसमें जो है भारत का पहला गार्बेज कैफे खुला था क्लियर याद रखिएगा छत्तीसगढ़ का जो सिटी है अंबिकापुर उसमें भारत का पहला गार्बेज कैफे खुला था याद रहेगा क्वेश्चन नंबर फोर है किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस ने कोरोना योद्धाओं के लिए थर्मल कोरोना कॉम्पैक्ट हीट गियर लॉन्च किया तो इसका राइट right आंसर है ऑप्शन सी दिल्ली आप याद रखिएगा कि दिल्ली की जो पुलिस है उन्होंने आ, कोरोना योद्धाओं के लिए थर्मल कोरोना कॉम्पैक्ट हेड ईयर को लॉन्च किया है इसके साथ ही आप याद रखना कि कोविड महामारी के दौरान जो है एक फाइव टी प्लान एक है फाइव टी प्लान और ऑपरेशन सील्ड ठीक है ये दोनों भी जो है दिल्ली की गवर्नमेंट ने ही चलाया है इन आ, इन दोनों प्लान्स को ठीक है इसके अलावा आप याद रखना कि दिल्ली के जो सीएम है अरविंद केजरीवाल इन्होंने अपने नाम की एक मोबाइल ऐप ए के ठीक है मोबाइल ऐप का नाम है ए uh, के इसे अरविंद केजरीवाल ने ही लॉन्च किया था ठीक है बढ़ते अगले प्रश्न पे क्वेश्चन नंबर फाइव है हाल ही में किसके द्वारा कोवैस सिक्सटी एट हंड्रेड टेस्टिंग मशीन राष्ट्र को समर्पित की गई है तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए डॉक्टर हर्षवर्धन तो आप याद रखिएगा कि हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोवैस सिक्सटी एट हंड्रेड टेस्टिंग मशीन को जो है वो राष्ट्र को समर्पित किया है इसके बारे में आपको बता दूं कि ये जो कोवैस सिक्सटी एट हंड्रेड टेस्टिंग मशीन है ये अपने देश की पहली ऐसी मशीन है जिसे कोविड नाइन्टीन मामलों को टेस्ट करने के लिए जो है सरकार के द्वारा खरीदी गई है और इस मशीन को दिल्ली के राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र में स्थापित की गई है और ये मशीन जो है स्वचालित मशीन है ठीक है याद रखिएगा और बात करें राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र की तो इसकी इसका जो इस्टेब्लिशमेंट ईयर है वो 1909 है ठीक है 1909 जो है ये राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र का जो है इस्टेब्लिशमेंट ईयर है याद रखिएगा और इसके साथ ही वर्तमान में इसके जो डायरेक्टर हैं उनका नाम है सुजीत कुमार सुजीत कुमार जो है इसके डायरेक्टर है और इसका हेड क्वार्टर है न्यू दिल्ली के अंदर क्लियर क्वेश्चन नंबर सिक्स है हाल ही में पद्म भूषण प्राप्तकर्ता और प्रोफेसर अजीत सुजमन का धन हो गया वह किस देश से थे तो इसका राइट right आंसर है ऑप्शन सी बांग्लादेश तो ये बांग्लादेश के प्रख्यात साहित्यकार शिक्षाविद एवं प्रोफेसर थे इन्हें 2014 में जो है अतकिर का 2014 में जो है वो पद्मभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया था अगर आपको याद हो मैंने अपने पिछले कंटर्वेंस की वीडियो में आपको बताया था कि ग्रैमी पुरस्कार विजेता पेटी राइट का भी निधन हो गया है इन्हें अपने एक सॉन्ग वेयर इज द लव के लिए पहला ग्रैमी अवार्ड मिला था ओके आई आपको क्लियर होगा बढ़ते अगले प्रश्न पे क्वेश्चन नंबर 7 है हाल ही में लैंडिंग क्राफ्ट uh, शिप को जो है कहाँ पे भारतीय नौसेना में शामिल किया गया तो इसका राइट right आंसर है ऑप्शन सी पोर्ट ब्लेयर तो पोर्ट ब्लेयर के अंदर जो है ये uh, ये लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी शिप जो है इसे शामिल किया गया है uh, ये uh, भारतीय नौसेना में शामिल होने वाला सातवां लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी है ओके okay? याद रहेगा आपको uh, बात करें अंडमान निकोबार की तो 1956 में ये हुआ था 1956 में अंडमान निकोबार जो है वो इस्टेब्लिश हुआ था और जो इसकी कैपिटल ये पोर्ट प्लेयर है और यहाँ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उनका नाम है देवेंद्र कुमार जोशी ठीक है देवेंद्र कुमार जोशी जो है वो यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं हाईकोर्ट की बात करें तो कोलकाता हाई कोर्ट ही यहाँ के लिए जो है वर्क करता है ओके और यहाँ पर लोकसभा सीट है एक और राज्यसभा सीट जो है वो जीरो है ओके प्रश्न पे क्वेश्चन नंबर एट है किस राज्य में आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना का शुभारंभ किया गया तो इसका राइट right आंसर है ऑप्शन पी गुजरात याद रखिएगा कि आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना जो है वो गुजरात के अंदर है सो लॉन्च किया गया है ठीक है इसकी शुरुआत की गई है क्वेश्चन नंबर नाइन है हाल ही में किसने वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट जारी की है तो इसका राइट right आंसर है ऑप्शन डी यू याद रखिएगा कि यू ने जो है अभी हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट को जारी किया है इस रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत की मौजूदा वित्तीय वर्ष में भारत का विकास दर वो वन पॉइंट टू परसेंट से जो है बढ़ेगी ठीक है बात करें यू की आ, तो इसका इस्टेब्लिशमेंट ईयर है ट्वेंटी अक्टूबर ट्वेंटी अक्टूबर नाइनटीन ओके okay? और ट्वेंटी फोर्थ अक्टूबर को जो है पूरे वर्ल्ड में यूनाइटेड नेशन डे के रूप में मनाया जाता है साथ ही आ, आप याद रखना कि चौबीस अक्टूबर को ही वर्ल्ड पोलियो डे वर्ल्ड पोलियो डे और एक और डे मनाते हैं नेशनल फूड डे ठीक है नेशनल फूड डे मनाया जाता है ट्वेंटी फोर्थ अक्टूबर को ही ठीक है आ, बात करें यूएन की तो इसका जो हेड क्वार्टर है वो है न्यूयॉर्क में इसका सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुटेरस एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको रिकॉल करवा दूं अभी हाल ही में आ, ये जो है यूएन उसमें भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में टी एस तिरुमूर्ति को नियुक्त किया गया है ठीक है याद रहेगा आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर टेन हाल ही में केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल में सिंचाई सेवाओं के लिए किस बैंक के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं तो इसका राइट right आंसर है ऑप्शन बी ए आई आई पी तो 145 मिलियन अमेरिकी डॉलर ठीक है अमेरिकी डॉलर पे जो है uh, इसका जो है ऋण समझौता पर जो हस्ताक्षर किया है वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने ए आई आई बी के साथ ठीक है इसका मुख्य उद्देश्य जो है वो पश्चिम बंगाल में दामोदर घाटी कमांड क्षेत्रों में सिंचाई सेवाओं को बढ़ाना और बाढ़ में सुधार लाना है दामोदर नदी को जो है वो बंगाल का शोक यानी कि सौरव ऑफ पेंगोल कहा जाता है ठीक है याद रखिएगा दामोदर नदी को जो है सौरव ऑफ बेंगोल कहा जाता है ए आई आई बी की बात करें तो इसका फुल फॉर्म आप एक बार देख लीजिए इसका फुल फॉर्म है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ठीक है हेडक्वार्टर है इसका बीजिंग के अंदर और इसके टोटल जो मेंबर कंट्री हैं वो है सेवेंटी एट याद रहेगा तो फ्रेंड्स एटीनथ मे के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बन सकते थे मैंने आपको कवर करवा दिए हैं अब बढ़ते हैं क्विज पर तो कल हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि किस टेम्परेचर पर सेल्सियस और फॉरन हाइट का जो पैमाना है दोनों का मान बराबर होता है तो इसका राइट right आंसर था माइनस फोर्टी डिग्री सेल्सियस पे ठीक है आप सभी ने इसका बिल्कुल सही आंसर दिया था तो आज के लिए आपका प्रश्न है आपको बताना है वज्र प्रहार मिलेट्री एक्सरसाइज भारत किस देश के साथ करता है क्वेश्चन एक बार फिर से सुन लीजिए वज्र प्रहार ब्रिट्रिक सोसाइट सा जो है वो भारत किस देश के साथ करता है आप अपना आंसर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए तो फ्रेंड्स आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं ओके थैंक्स फॉर वॉचिंग